हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वे करियर एकेडमी। दोस्तों, 163 पदों पे सहायक अभियंता की भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं हिंदुस्तान के माध्यम से न्यूज आ रही है कि नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती। 163 अभियंता के पद होंगे और 97 नगर नियोजक के होंगे। सिटी प्लानर के पोस्ट हैं इसमें। तो राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों और पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व लेखा, इंजीनियरिंग और स्वच्छता कार्डरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। विशेषज्ञों और तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक कार्डर 666 से बढ़ा के 912 पद, राजस्व 766 से बढ़ा के 1345 और स्वच्छता कार्डर 523 से बढ़ाकर 1299 पद का किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके आधार पर वर्ष 2051 तक यह जनसंख्या 50% से अधिक हो जाएगी। शहरी आबादी अधिक होने पर शहरों में सुविधाएं विकसित करने की अधिक ज़रूरत पड़ेगी और इसकी देखरेख के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग ने नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात कहते हैं कि शहरी परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। मौजूदा काडर जो है आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की ज़रूरत थी। आधुनिक शहरी विकास की जटिल मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पेशेवर विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए नए काडर बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण सेवा और नगर नियोजकों को रखने की व्यवस्था की गई है। शहरी नियोजन, उद्यानिकी और पशु कल्याण जैसे मौजूदा विशेष काडरों को भी मजबूत किया जाएगा। आईटी बुनियादी ढांचा, डेटा प्रबंधन और ई गवर्नेंस जैसी नवाचारों के लिए नए पद सृजित किए गए हैं। तो यहाँ पे 163 अभियंताओं की भर्ती की जाएगी और ये अभियंता पर्यावरण अभियंताओं के रूप में काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में ये भर्ती की जानी है। लखनऊ से ये खबर आ रही है। तो जो छात्र फ्रेशर हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे और इसके बारे में जब और अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे कि किस किस ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।